हेलो। चलिए आ जाओ भाई साहब, जल्दी से क्लास स्टार्ट करते हैं। तो क्लास स्टार्ट करते हैं, शाम को बच्चों के साथ, ठीक है। और ये क्लास में हम बेहतरीन क्वेश्चंस करते हैं। और आपको मालूम है कि इस क्वेश्चन क्लास का क्या रूल है? एक क्लास होती है माइडिया दोपहर को 12 बजे, है ना। वहां पर मैं जीके एक्सप्रेस वाली क्लास है, तो वहां पर मैं क्या करता हूं कि मैं आप लोगों को 10 मिनट में 25 क्वेश्चंस कराता हूं। और वहां पर भी रूल है कि अगर 500 बच्चे लाइव आते हैं तो मैं 10-25 की जगह पे 50 क्वेश्चन कराता हूं। यहां पर भी यही रूल है, ठीक है। तो एक क्लास शाम दोपहर को 12 बजे होती है, वो भी देख लीजिएगा, बहुत अच्छे क्वेश्चंस होते हैं वहां पे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। चलिए, इस वाली क्लास का क्या रूल है माय डियर? इस क्लास का रूल ये है कि यहां पर मैं 25 क्वेश्चंस कराऊंगा, और अगर चलती क्लास में 500 से ज्यादा बच्चे हो गए तो मैं फिर 50 क्वेश्चंस कराऊंगा। मैं 50 क्वेश्चन की स्लाइड लेके आया हूं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि 500+ लाइव हो जाएंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। वीडियो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल में अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मोहब्बत से इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पंचमहल कहां स्थित है, है ना। वेयर इज पंचमहल? हवा महल में, ग्वालियर फोर्ट में, फतेहपुर सीकरी में, और आगरा फोर्ट में। ठंड आ चुकी है तो ठंड के कपड़े आप निकाल लीजिए, ठीक है, क्योंकि अभी पेपर वगैरह सब कुछ है, तो ऐसा ना हो जाए कि क्या बोलते हैं, जुकाम हो जाए, कोल्ड हो जाए, फीवर हो जाए, और फिर आप परेशान हो, ठीक है, इस कारण से। और बाकी मुझे बहुत तेज से भूख लगी है, अभी मैं क्लास के जस्ट बाद खाना खाने जाऊंगा। हालांकि मेरा भूख का रिलेशन करवा चौथ से नहीं है, है ना, मेरा कोई फास्ट वास्ट नहीं है, फिर भी मैं बहुत फास्ट होके जाऊंगा, और मुझे बहुत तेज से भूख लगी है, ठीक है, इसको गलत मत समझा जाए। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, पंचमहल कहाँ पे है? फतेहपुर सीकरी में। डन, फतेहपुर सीकरी इज राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन योर स्क्रीन, द स्टडी ऑफ लेक इज, लिख लेना कागज में, इंपॉर्टेंट है। जितनी भी स्टडी होती है या जितने भी कल्चर होते हैं, यहां से एक क्वेश्चन पक्का है। जैसे साइकोलॉजी, किस चीज का अध्ययन होता है, व्हाट इज साइकोलॉजी, है ना, या कि फिर फिजियोलॉजी, या कि फिर डेंड्रोलॉजी, है ना, या कि फिर लिम्नोलॉजी, ये जो ढेर सारे लॉजी होते हैं, तो किसी चीज की स्टडी को क्या कहा जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम से आते हैं। साथ ही साथ कल्चर होते हैं, जैसे पीसी कल्चर हो गया आपका, ओलिव कल्चर हो गया, ये कल्चर हो गया, ओरियोलॉजी, ढेर सारे कल्चर्स होते हैं ना, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी एग्जाम में आते हैं। तो जितनी भी स्टडी होती है वो याद कर लीजिएगा एक चार्ट में, और जितने भी कल्चर होती याद कर लीजिएगा, एग्जाम में हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। और पिछले वाले क्वेश्चन में जो ये था, पंचमहल कहाँ स्थित है, भारत की जो महत्वपूर्ण चीजें हैं और वर्ल्ड की कहाँ कहाँ पर है, कहां पर स्थित है, कहां पर सिचुएटेड है, एक क्वेश्चन यहां से भी हमेशा आता है। हवा महल कहां पे है, पंचमहल कहां पे है, लाल किला कहां पे है, ये कहां पे है, वो कहां पे, याद होना चाहिए, ठीक है। चल, तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए जल्दी से। झीलों का जो अध्ययन होता है उसे क्या कहा जाता है, झीलों के अध्ययन को बोलते हैं लिम्नोलॉजी, ठीक है, क्या बोलते हैं, लिम्नोलॉजी। डन है, क्लियर है। चल स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। उच्च न्यायालय जिसे पहली महिला मुख्य न्यायाधीश प्राप्त होने का गौरव प्राप्त है, आपको मालूम है हाई कोर्ट्स होते हैं, लगभग हर एक राज्य में अपना एक हाई कोर्ट होता है, तो क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन सा हाई कोर्ट है जहां पर पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बैठी, बताइए कौन सा, हिमाचल प्रदेश। बिल्कुल, जो हिमाचल प्रदेश का हाई कोर्ट है माय डियर, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश प्राप्त करने का गौरव प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक नृत्य बोहांग बिहू कहां फेमस है, बिहू बहुत फेमस है ना। देखिए, 6 क्लासिकल डांस होते हैं, 6 क्लासिकल डांस होते हैं, ओडिसी, मोहिनीअट्टम, है ना, उसके बाद में आपका कथकली, कथक, 6 होते हैं, तो ये 6 क्लासिकल डांस याद होना चाहिए, कहां कहां पर होते हैं याद होना चाहिए। इसके अलावा स्टेट के भी फोक डांसेस होते हैं, स्टेट के लोकल डांस होते हैं, ये भी आपको याद होना चाहिए। जैसे बिहू है, बिहू कहां पर होता है, आसाम में होता है, इंपॉर्टेंट है। भांगड़ा कहां पर होता है, आपका पंजाब में होता है। गिद्दा कहां पे होता है, पंजाब में होता है। गरबा कहां पे होता है, गुजरात में होता है। राई कहां पे होता है, यूपी एमपी में होता है। सुआ डांस कहां पे होता है, छत्तीसगढ़ झारखंड में होता है। इस टाइप के जो फोक डांसेस हैं याद कर लीजिएगा, यहां से भी एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता ही आता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस ऑफ इंडिया एक्सपीरियंसेस हाईएस्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर ड्यूरिंग विंटर, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सर्दियों के दौरान सबसे अधिक वायुमंडलीय दाब का अनुभव करता है, बताइए कौन सा स्थान है,
कौन सा? लेह। जो लेह है बहुत ज्यादा कोल्ड होता है, भयंकर वाला कोल्ड होता है, बहुत ज्यादा कोल्ड होता है। और मैंने आपको बताया है कि जब भी टेम्परेचर कम होगा, जब भी टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा। जो लेह है इस ऑप्शन के हिसाब से, जो लेह है बहुत कम टेम्परेचर होता है, जब टेम्परेचर कम होता है तो लाजमी बात है प्रेशर ज्यादा होगा। सिंपल सा रिलेशन है, डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन निर्धारित करता है कि मंत्रिपरिषद राज्यों में लोकसभा या विधानसभा के कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है। देखिए इसमें थोड़ा सा डाउट रहता है लोगों को, तो उस चीज को क्लियर कर लीजिएगा। क्या डाउट यह रहता है बाबू कि जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट है तो लोकसभा के मेंबर्स की संख्या कितनी है जी? या कि अगर स्टेट गवर्नमेंट की बात करोगे तो एमएलए कितने हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कितने हैं? जो 15% वर्ड इस्तेमाल होता है वो सबको याद रहता है, जो 15% इस्तेमाल होता है ना माय डियर, वो सबको याद रहता है। लेकिन लोग गलती क्या कर जाते हैं, लोग ये कंफ्यूज होते हैं कि इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर और नॉट, कि जो 15% संख्या है, मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल किसी राज्य में 100 MLA हैं, तो कहा गया कि भैया 15 से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते हैं, लेकिन क्या इसमें सीएम को इंक्लूड किया गया है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट ध्यान रखिएगा। इसमें इंक्लूड किया गया है, 91st अमेंडमेंट किया गया था, 91 नंबर का संविधान संशोधन किया गया था, जिसमें यह कहा गया था कि किसी राज्य में अगर सरकार बनती है तो इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री को मिलाकर, और अगर उस राज्य में डिप्टी सीएम है तो डिप्टी सीएम को मिलाकर 15% से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। यही सेम कहानी देश की होती है, देश के भी 15% से ज्यादा मंत्री नहीं हो सकते। डन। ऐसा नहीं कि अगर सेंटर में मोदी जी की सरकार है तो चाहे तो 150 मंत्री बना देना, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लीजिए। भारत की संरक्षित राज्य कौन सा है ना, विच इज द प्रोटेक्टोरेट ऑफ इंडिया, भारत का संरक्षित राज्य कौन सा है इसमें से? अच्छा क्वेश्चन है, एक जो एक दो बार एग्जाम में आ चुका है, आंसर इज सिक्किम। डन, आंसर इज सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल शासक किस राजा के शासनकाल के दौरान जजिया लगाया गया था? जजिया एक टैक्स हुआ करता था, तो जो जजिया टैक्स था किस मुगल किंग के टाइम पर लगाया गया था? आंसर वेरी सिंपल, औरंगजेब के टाइम पे। किसके टाइम पे? औरंगजेब के टाइम पे। बिहार वालों सरकार चुनो बट काम खराब चुनो, पता नहीं क्या लिखा है, इलेक्शन का टाइम है, बहुत संभल कर वोट कीजिएगा। देखो सिंपल सी कहानी यार, कि जब आप कोई सामान लेने जाते हो, हर इंसान जब कोई सामान लेने जाता है ना, अगर आप 5 रुपए का पेन भी लेने जाते हो मारियो, तो पेन को भी कागज में चला के देखते हो, देखते हो कि नहीं देखते हो कि भाई पेन खराब तो नहीं है? सोचो 5 रुपए का पेन है। और यहाँ तो जो सरकार आप एक वोट डालने जाते हो, वोट की कीमत आपको पता नहीं है, इस कारण से वोट इतनी कीमती होती है। वही जो लोग जिनको आप वोट दोगे ना, वो जो सरकार बनेगी तो वही आपका फ्यूचर डिसाइड करेंगे, वही कानून बनाएंगे, वही सब कुछ बनाएंगे, वही एजुकेशन पॉलिसी बनाएंगे, हर चीज वो बना रहे हैं आपके लिए, आपकी जिंदगी डिसाइड कर रहे हैं। इस कारण से जब भी आप वोट डालने जाइए, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, इस चीज के नाम पर मत दीजिए, काम के नाम पर वोट दीजिए। अगर कोई काम करता है, कोई भी हो, इट डजेंट मैटर किस पार्टी का, आप उसको वोट दीजिए। अगर काम पे नाम पे वोट पड़ेगा, जिस दिन नेताओं को यह महसूस हो जाएगा कि जो वोट है वो काम के नाम से पड़ रहा है, तो हिंदू मुसलमान करना भूल जाएंगे, याद रखेगा। लेकिन नेताओं को पता है कि यार हिंदू मुस्लिम कर दो, जम्मू कश्मीर कर दो, पाकिस्तान कर दो, चाइना कर दो, जाति कर दो, यादव ठाकुर ये फलाना ढिकाना कर दो, लोग वोट देते हैं। अगर ऐसा वोट दोगे तो फिर वो तुमको बेवकूफ बनाएंगे, तुम बनते रहोगे। हमेशा काम पे वोट दो। अगर काम पे वोट दोगे, यार सीधी सी कहानी है, आप मेरे यहाँ मान ले मैं दुकान खोल के बैठा हूँ मिठाई की, मैं खराब मिठाई रखी है, अच्छी मिठाई रखी है, आप आए मेरे पास, जब खराब मिठाई, मैंने खराब मिठाई बोला कि ये इंडियन मिठाई है, फलाना ढिकाना ले जाओ, और मैंने आपको बेवकूफ़ बना के दे दिया, मैं अगली बार भी वही मिठाई रखूंगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं बेवकूफ़ बना दूंगा लोगों को और बन जाएंगे। लेकिन जब मुझे मालूम चल जाएगा भैया बेवकूफ़ नहीं बनते लोग, खराब मिठाई नहीं बिक रही मेरी, बिकेगी नहीं, तो फिर मैं खराब मिठाई रखनी बंद कर दूंगा, मैं काम पे नाम पे वोट मांगूंगा। समझ गए क्या बेवजह का ज्ञान दे रहा हूं फालतू का? चलो नेक्स्ट। गराड़ी इज अ फोक डांस ऑफ, अच्छा क्वेश्चन है, कहां का भैया, कहां का है जो गराड़ी फोक डांस है, वो कहां का है? पुडुचेरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, गौतम बुद्ध की मृत्यु के तुरंत बाद किस बुद्ध परिषद का आयोजन किया गया था? किस बौद्ध परिषद का आयोजन किया गया था? आपको मालूम है
कि बौद्ध धर्म के चार सम्मेलन हुए थे, चार परिषद हुई थी, है ना। और जो चार सम्मेलन हुए थे, चार परिषद हुई थी, तो याद कर लेना माय डियर, इंपॉर्टेंट है। वो जो चार सम्मेलन है वो कहाँ कहाँ पर हुए थे? एक, उस टाइम पे राजा कौन था? दो। और कौन उसका चेयरमैन था? तीन। 3 × 4 = 12 क्वेश्चन यहां से बनेंगे। जो मैं चीज लिखने जा रहा हूं, इस एक अकेले चार्ट से 12 क्वेश्चंस बनते हैं। और यकीन मानिए, अगर किसी को कहा जाए कि तुमको बौद्ध रिलीजन से 5 क्वेश्चन बनाना है, तो 100% इस चार्ट से क्वेश्चन बनाएगा। बौद्ध रिलीजन के चार सम्मेलन हुए थे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। कहां कहां पर हुए थे? रावय पाकू, रावय पाकू। दो तीन बार बोलोगे याद हो जाएगा। रावय पाकू, रा मतलब राजग्रह, वै मतलब वैशाली, पा मतलब पाटलिपुत्र, कु मतलब कुंडलवन। तो पहला हुआ था राजग्रह में, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, चौथा कुंडलवन में। डन। जब ये सम्मेलन हुए थे उस टाइम पे चेयरमैन राजा कौन था उस टाइम पे? तो ये राजा याद करने का तरीका है, अका अशोक, ऐसा ऐसा लिखता भाई साहब, है ना, अका अशोक, आका अशोक, ऐसे लिखना, ठीक। आ मतलब हो जाएगा अजात शत्रु। तो जो पहला सम्मेलन राजगृह में हुआ था उस टाइम पे राजा अजात शत्रु था। दूसरा, जब वैशाली में सम्मेलन हुआ था उस टाइम पे राजा काला अशोक था। तीसरा, जब पाटलिपुत्र में सम्मेलन हुआ था उस टाइम पे राजा अशोक थे। और चौथा, जब कुंडलवन में सम्मेलन हुआ था उस टाइम पे राजा कौन थे? कनिष्क, महान सम्राट कनिष्क। तो चारों सम्मेलन कहाँ हुए थे, चारों टाइम पे राजा कौन था, याद रहेगा? ठीक है। उसके बाद में इनके चेयरमैन कौन थे? तो चेयरमैन याद करने का तरीका है कि महासाहब मोगली खाएंगे अब। मोगली जानते हो, मोगली क्या होती है? खाया होगा आपने। महासाहब मोगली खाएंगे अब। तो महा से हो जाएगा महाकश्यप। पहले वाले सम्मेलन जो राजगृह में हुआ था अजात शत्रु के टाइम पे, उसके चेयरमैन थे महासाहब महाकश्यप। दूसरा, वैशाली में जो सम्मेलन हुआ था सेकेंड नंबर वाला, जिस टाइम पे कालाशोक राजा थे उस टाइम पे चेयरमैन कौन थे? सबाकामी। तीसरा, तीसरा सम्मेलन जो कहां पर हुआ था? पाटलिपुत्र में, अशोक राजा थे, उसके चेयरमैन थे मोगलीपुत्र। और चौथा सम्मेलन जो कुंडलवन में हुआ था, कनिष्क उस टाइम पे राजा थे, उसका चेयरमैन थे आजाद अश्वघोष और बसुमित्र। ये चार्ट का स्क्रीनशॉट ले लो माऊ, बहुत इंपॉर्टेंट है। यकीन मानिए, मैं बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन अगर मुझे कोई बोल दे कि संदीप तुमको हिस्ट्री के 10 मॉक टेस्ट बनाना है और हर एक मॉक टेस्ट में हिस्ट्री से क्वेश्चन होना चाहिए या बौद्ध रिलीजन से क्वेश्चन होना चाहिए, तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा, दिल में हाथ रख के बोल रहा हूं, कम से कम 3 से 4 क्वेश्चन मैं इस चार्ट से बनाऊंगा। इतना इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट। अब समझ गए होगे कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा जी? इसका आंसर क्या हो जाएगा? जो पहला सम्मेलन था वो आपका पहला इज राइट आंसर, फर्स्ट इज राइट आंसर। गौतम बुद्ध की मृत्यु के बाद तुरंत पहला सम्मेलन हुआ था। अगला, निम्नलिखित में से कौन नॉर्थ इंडिया का शास्त्रीय नृत्य है? इनमें से कौन सा नॉर्थ इंडिया का है भाई साहब? भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली और कथक। हमारे यहाँ पे यूपी, बिहार, एमपी में, स्पेशल नॉर्थ इंडिया यूपी और एमपी में पान खाने का बड़ा शौक है, पान खाने का बड़ा शौक है। मैं कभी कभी मन करता है पान खाता हूँ। दिल्ली में आग फायर वाला पान नहीं खाया था मैंने, जबलपुर में पता चला कि एक फायर पान बनाता है, मतलब सॉरी टू से माँ के साथ, इतना गंदा पान मैंने जिंदगी में आज तक नहीं खाया, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा गंदा काम गंदा पान था, बताने से बहुत ज़्यादा गंदा पान था। तो लोग पान खाते हैं एमपी में, एमपी, यूपी, बिहार, बिहार वगैरह में। तो हमारे यहाँ जो पान खाते हैं, तो पान को बोलते हैं कि जिसका जो पान होता है, जिसकी होंठ लाल हो जाती है, मुंह लाल हो जाता है, मतलब होता है कि सास उतनी ही ज़्यादा मोहब्बत उससे करती है, ठीक है। तो पान खा के देख लेना कि आपका पान कितना लाल हो रहा है, उस हिसाब से अपनी सास को ट्रीट कीजिएगा, ठीक है। तो उसको, पान को लाल करने के लिए हमारे यहाँ पे कत्था डालते हैं। कत्था, कत्था एक चीज होती है जो पान को लाल कर देता है। ये कहाँ पे होता है? नॉर्थ इंडिया में, एमपी, यूपी, इस साइड। तो कत्था से हो जाएगा कथक। नॉर्थ इंडिया का फोक डांस मान लिया, शास्त्रीय नृत्य, क्लासिकल डांस है कथक। डन, क्लियर है। भरतनाट्यम कहाँ का है जी? याद करने का तरीका है, भात। हमारे यहाँ पे जो चावल होता है, जब चावल पक जाता है, तो हमारे यहाँ पे चावल को भात बोलते हैं। तो भात से हो जाएगा भरतनाट्यम और ता से हो जाएगा तमिलनाडु। भात मतलब भरतनाट्यम, ता मतलब तमिलनाडु। नेक्स्ट आपका है कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी कैसे खाते? देखो, कुचिपुड़ी याद करने का तरीका ऐसा है, अभी हमारे यहाँ पे हुआ था भंडारा,
पहले मुझे लगता था कि शायद ये मेरा मिसकंसेप्शन है, लेकिन मेरा मिसकंसेप्शन दूर हो चुका है। लिटरली मुझे भंडारे का खाना अपना सूट नहीं करता, पता नहीं क्यों, क्योंकि हो सकता है कि भंडारा में तेल वेल ज़्यादा कुछ डालते होंगे, पता नहीं। 26 को हमारे यहाँ पे भंडारा था, मैंने आपको बताया था ना, 26 को हमारे यहाँ भंडारा था, मैं घर गया था। 26 को मैंने भंडारे का खाना खा लिया, दो पूरी खा ली थी, और जितना थाली में रखा गया था बोले साहब खर्च खत्म, फेंकना मत, प्रसाद है तो खा लिया, खीर हलवा और सब्जी थी। 26 से लेकर के जो मेरा पेट खराब हुआ है, सॉरी टू से, आज 4 तारीख है ना, 2 तारीख तक ये 6-7 दिन कैसे बीते हैं मुझे पता है। मतलब ये हाल था कि दिन में मैं कम से कम 25-25, 30-30 बार पाकिस्तान जाता था, सोचो, बिना वीजा के, बिना पासपोर्ट के। ये हाल है। तो पूरी जो खाते हैं कुछ लोग, तो पूरी ऐसे खाते हैं जैसे आंख बंद करके, और आंख बंद करने का मतलब तो अंधा बोलते हैं ना, हालांकि ऐसा वर्ड इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, लेकिन याद करने के लिए बोल रहा हूँ, अंधा मतलब आंख बंद करके खाओ पूरी, अंधा बन के पूरी खाओ। आया पूरी रखी तो खाओ, फिर कहाँ मिलेगी दोबारा। तो पूरी से हो जाएगा कुची पूरी, और अंधा से हो जाएगा आंध्र प्रदेश। तो जो कुची पूरी है वो आंध्र प्रदेश में होता है, याद रहेगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हालांकि ऐसे शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहिए मुझे, लेकिन इंपॉर्टेंट है। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा समूह नागालैंड के साथ में बाउंड्री शेयर करता है, इनमें से कौन सा स्टेट है जो नागालैंड के साथ में बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है, ठीक है, चलिए बताइए कैसे मनाऊं तुझको जब तू रूठ गई है मुझसे, कैसे मनाऊं तुझको जब तू रूठ गई है मुझसे, कैसे बतलाऊं तुझको अब तू छूट गई है मुझसे। तो जो मनाऊं है ना, मनाऊं, कैसे मनाऊं, एम से हो जाएगा मिजोरम, ए से हो जाएगा असम, दूसरे ए से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, और एन से हो जाएगा नागालैंड। बात खत्म, पैसा हजम, डन, क्लियर है, ठीक है, चल। तो एम फॉर मिजोरम, ए फॉर अरुणाचल प्रदेश, ए फॉर असम, और एन फॉर नागालैंड, डन। ये कहानी है, ठीक है, डन, क्लियर, ठीक है, चल। डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेजर्ट फेस्टिवल में आयोजित होता है, कहां पर होता है, वेयर डेजर्ट फेस्टिवल आयोजित किया जाता है, कहां होता है भाई, बाड़मेर, जैसलमेर, सहारा और थार। आंसर देते चलना मारिया, इसलिए आप कल बोल रहे थे सर कि निशांत सिंह बिलो द बेल्ट बात मत करो, ठंड आ गई, लेकिन ठंड का ध्यान रखना, पता है, डन, ठंड का ध्यान रखिएगा, स्पेशली वो जिनकी शादी नहीं हुई है वो थोड़ा ध्यान रखेंगे अपना, मतलब जिनकी शादी हो गई तो उनका ऐसा होता है कि भाई बीबी है, या कि जिनकी लड़कियों की शादी हो गई तो उनका हस्बैंड है, तो केयर करते हैं, ठंड के कपड़े पहना देना, बाबू कपड़े पहन लो ठंड लग जाएगी, और ये सब चीज़ें होती हैं। लेकिन जिनके आगे नाथ ना पीछे पगहा, जेखे नाऊ करवा मैं गधा, मतलब हमारे यहाँ पे कहावत है कि जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, तो खुद को ही केयर करना भाई साहब। यहाँ पे कोई नहीं है कि फ़ोन करके भाई बोले कि तुमने मोजे क्यों नहीं पहने, तुम पहनो, नहीं पहनोगे तो उनसे बात नहीं करूँगी या नहीं करूँगा ना, ये सब नहीं होता। ये था मेरा मतलब शादी से, ठीक है। तो ड्रेस फेस्टिवल कहाँ पर होता है, जैसलमेर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, स्क्वाड्रन लीडर भारतीय पद है, आपने सुना होगा स्क्वाड्रन लीडर एक पद होता है, किस में होता है, ये वायुसेना में होता है, एयरफोर्स में होता है, डन, ये कहां पर होता है, एयरफोर्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, नहरों का देश किसे कहा जाता है, कंट्री ऑफ कैनाल्स किसको बोला जाता है, नहरों का देश, कंट्री ऑफ कैनाल, है ना, बिल्कुल, नहरों का देश किसको बोलते हैं, पाकिस्तान को, जो पाकिस्तान है पर ढेर सारी कैनाल्स हैं, है ना, तो इनको नहरों का देश बोला जाता है। नेक्स्ट, मालदीव की राजधानी है, जो मालदीव कंट्री है इसकी कैपिटल का नाम क्या है, है ना, ठीक है, जो मालदीव है इसकी कैपिटल का नाम क्या है, बिल्कुल सिंपल है, माल, यहां पर भी माल और ये माले, है ना, ठीक है, मालदीव की राजधानी माले, और गुलाबी गुलाबी हैं गाल तुम्हारी, गुलाबी गाल का कुछ भी मतलब, मोहब्बत ठीक है लेकिन गुलाबी गाल किसके होते हैं, गुलाबी गाल होते हैं, बहुत गोरा इंसान हो तो ठीक है, गुलाबी गाल नहीं होते, गुलाबी गाल मुझे लगता होते हैं, हो सकता होते हूँ, हो सकता है मेरे आसपास कोई ऐसा ना हो, लेकिन गुलाबी गाल मुश्किल है, इंसान गोरा हो सकता है, समझ में आता है, गुलाबी गाल नहीं,
पिंक होंठ, पिंक भी नहीं होते, हल्का है, रेडिश रेडिश होते हैं। अब यार तुम लाली लिपस्टिक लगा लो तो उसके लिए कोई कुछ कर नहीं कर सकता, आजकल तो लड़के भी लगाते हैं, उसमें कोई दो मत नहीं, अच्छी चीज लगाओ, कौन मना किया है। महाबलीपुरम द्वारा स्थापित किया गया था, जो महाबलीपुरम है किसके द्वारा स्थापित किया गया था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, नरसिंह वर्मन के द्वारा, नरसिंह वर्मन के द्वारा। अगला, छत्रपति शिवाजी महाराज किस वंश के शासक थे, अगर इसका आंसर ना बता पाओ तो बहुत मुश्किल है बाबा, अगर इसका आंसर आप ना बता पाएंगे तो बहुत मुश्किल। गुलाबी आंखें, कौन है, ओह गुलाबी आंखें किसी होती है, कुछ भी गुलाबी आंखें नहीं होती है, ठीक है। तो छत्रपति शिवाजी महाराज कौन थे, मराठा, इंपोर्टेंट, ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, हालांकि ये बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था, लेकिन ऐसे क्वेश्चन है कि अजात शत्रु किस डायनेस्टी से था, कुछ ऐसे अजीब गरीब नेम हैं जो बड़े अजीब से, जैसे फॉर एग्जाम्पल अजात शत्रु, बिंबिसार, नंदीवर्धन, कनिष्क, कनिष्क, जिसके नाम के आगे पता नहीं चल पाएगा कि ये किस वंश का होगा, है ना। मुगलों का नहीं पूछ सकते, मुगल के सबके नाम याद रहते हैं, इल्तुतमिस पूछ लेता भाई साहब, कई लोगों को पता नहीं होता कि इल्तुतमिस किस डायनेस्टी से था, है ना, इल्तुतमिस, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इबादत खाना किस मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया एक सभा भवन था, इबादत खाना किसने बनाया था, अकबर ने बनवाया था, किसने, अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, व्हाट इज द नेम ऑफ द लिटिल जर्नल डेवलप्ड बाय द खोजाज हुआ अरब इस्लामिक, खोज द्वारा विकसित साहित्यिक शैली का नाम क्या है जो इस्लामी संप्रदाय की एक शाखा है। ये क्वेश्चन ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, ज्यादा तो अच्छा नहीं है लेकिन ठीक है, आंसर इज जीनन, ठीक है, जीनन इज राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम के तहत सिक्किम को भारत संघ में शामिल किया गया था, बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में कई बार आ चुका है, बहुत फेमस क्वेश्चन है। 36 नंबर का अमेंडमेंट किया गया था 1970, बताओ जल्दी से कौन सा 70 था, बताओ जल्दी से फटाक से, 36 नंबर का अमेंडमेंट किया गया था और सिक्किम को 22वां राज्य, 22 नंबर का राज्य बनाया गया था। अब आप मुझे जल्दी से बताओ कि कौन सा ईयर था, ईयर बताओ कौन सा था, है ना, ईयर बताइए जल्दी से कौन सा था, कौन बताएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 21-22 स्क्रीन में है, भारत की कम्युनिस्ट पार्टी स्थापित की गई थी, याद रखना सारे क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे माय डियर, मैं नहीं बोल रहा, बच्चे बोलते हैं, और बच्चे बोलते तो सही बोलते होंगे, अभी जितने पेपर्स होंगे सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ रहे हैं और आएंगे, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है, बस आप ट्रस्ट कीजिए, ट्रस्ट करोगे, देखो ट्रस्ट का खेल होता है, ठीक है, पूरा खेल ही ट्रस्ट, रिश्ते ट्रस्ट की बुलंदियों पर जुड़े होते हैं, जो विश्वास होता है, जो रिश्ते होते हैं विश्वास के धागे पर बनते हैं, अगर विश्वास कमजोर हो गया तो बात बिगड़ जाती है, ठीक है। तो जो कम्युनिस्ट पार्टी है 1925 में बनी थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, हाउ वाज बर्मा नोन टू एंशियंट इंडियंस, प्राचीन भारतीयों को म्यांमार किस नाम से जाना जाता था, प्राचीन टाइम पीरियड में जो म्यांमार था उसे किस नाम से जाना जाता था, सुवर्ण भूमि कहा जाता था, क्या कहा जाता था, सुवर्ण भूमि कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज स्कोर्ड 2 triple hundreds इन टेस्ट मैच, इनमें से कौन है जिसने टेस्ट क्रिकेट में 202 बार 300 रन बनाए हैं, हु इज, कौन हो तुम, है ना, तो कौन है, ब्रायन लारा, हालांकि वीरेंद्र सहवाग हमारे जो है ना मुल्तान के सुल्तान, उन्होंने भी ट्रिपल सेंचुरी 2 बार बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25 आपके स्क्रीन पर है कि हु इज द ऑथर ऑफ स्वामी एंड फ्रेंड्स, स्वामी एंड फ्रेंड का राइटर कौन है, जल्दी बताइए, स्वामी एंड फ्रेंड का राइटर कौन है माय डियर, ठीक है, जल्दी बिल्कुल फटाफट आंसर दे देना माइडियर, थोड़ी बच्चे कम है, मुझे मालूम है कि बच्चे कम का रीजन क्या है, आर के नारायण सही आंसर है, 25 क्वेश्चंस मैंने करा दिया, बच्चे कम है उसका अंदाजा मुझे लग सकता है, क्योंकि अभी बच चुका है कितना, अभी बच गया है ठीक 7:30 और चांद निकलने वाला होगा, है ना, तो समझ सकते हैं भाई साहब, देखो अच्छी चीज है ना, अच्छी चीज है उपवास रखना, है ना, चांद निकल रहा है अच्छी चीज है, तो इस कारण से थोड़ा बच्चे होंगे भाई, किसी की भैया भाभी होंगे, पूजा कर रहे होंगे तो साथ में जाएंगे, फोटो आजकल फोटो का है शौक रहता है लोगों को, या कि कई रहेंगे फ़ोन वाले की, फ़ोन करो वाले, तो फ़ोन वाले होंगे तो ठीक है, कोई बात नहीं, है ना, तो मैं कुछ बोलने वाला था, तगड़ा बोलने वाला था, लेकिन कोई बात नहीं, कहे को बोलें, बेवजह की बातें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लो, अगला स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 26, 50 क्वेश्चन करेंगे भैया, वादा है हमारा, और जो वादा करते हैं वो कभी तोड़ते नहीं अपन, सीधी सी बात है, इस कारण से है ना, हमसे ये सोचकर कोई वादा करो, एक वादे में उम्रे गुजर जाएंगी, है नुसरत फतेह अली खान। विच पार्ट ऑफ द इंडियन अर्थ हैज द अबंडेंस ऑफ
फे। देखो कहानी सिंपल सी मैंने बताया था आपको, क्या थी कहानी, ये बात घूम फिर कहानी किया है, है ना। अब जिंदगी में कहानी ही तो रह गई है उसके जाने के बाद, अब जिंदगी में कहानी ही तो रह गई है उसके जाने के बाद। सबसे ऊपर क्रस्ट, उसके बीच में मेंटल और कोर है उसके बाद। तो क्रस्ट जो है ये बना होता है सियाल से, सिलिका एल्यूमिना। जो मेंटल है ये बना है माय डियर सीमा, सिलिका मैग्नीशियम। और जो कोर है ये बना नीफे, निकिल और फेरस। अगर क्वेश्चन पूछे कि क्रस्ट किससे बना तो आप बोलोगे सियाल से, सिलिका एल्यूमिना। अगर पूछे मेंटल किससे बना है तो आप बोलोगे सीमा से, SING। और अगर बोले नीफे कोर, डन। तो ये क्वेश्चन यहां पर क्या पूछा है, यहां पर क्वेश्चन पूछा है निकिल और फेरस। तो आपको मालूम है कि जो निकिल फेरस है किसमें होता है, सबसे नीचे वाले में, कोर, जिसको कई बार क्रोड भी कहा जाता है। अगर निकिल फेरस यहां पर सियाल होता तो क्रस्ट, सीमा होता तो मेंटल। सिंपल है, इतना टफ थोड़ी ना है, है ना, इतना मुश्किल नहीं है। तुझको दिल से भुलाना, कभी आए तेरे शहर तो खुद ना सही अपने भाई से कहकर बुलाना। वेयर इज द कोंकण कोस्ट एक्सटेंडिंग फ्रॉम, जो कोंकण 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 क्या है, खूब सुना होगा भाई साहब, कोंकण कोंकण है, सुना होगा आपने। ये कोंकण कोंकण कहां से कहां तक को कोंकण कहा जाता है, तो जो कोंकण है ना ये माय डियर दमन से गोवा को कोंकण कहा जाता है, डन, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, कौन सा, आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, फटाक से आंसर दे सकते हो। जो बच्चे अभी मेरी क्लास देख रहे होंगे वो आंसर दे सकते हैं, है ना, आंसर दीजिए जल्दी से। एक और चीज बता दूं, ध्यान से सुनना थोड़ा सा बेटा। देखो जितने साइंटिस्ट को मैं पढ़ रहा हूं इस टाइम पे, और जो वर्ल्ड WTO पता नहीं क्या बोलते, WHO वगैरह पता नहीं क्या बोलते रहते, ठंड में कोरोना के केसेस बढ़ेंगे, ये सच है। क्योंकि जितना एनालिसिस मैंने भी किया, देखा मैंने, जहां कोरोना ज्यादा है वहां पे कोल्ड है, अभी कोल्ड वाले एरियाज में कोरोना ज्यादा है, उसका इफेक्ट ज्यादा है। तो प्लीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, कोल्ड में आज ही दिल्ली में बहुत केस आए हैं पता है, तो लापरवाही मत कीजिएगा, कोरोना खतरनाक है इसमें कोई दो मत नहीं है, और ट्रीटमेंट हो जाएगा, दवाई हो जाएगी, लेकिन आपको 15-20 दिन 25 दिन बर्बाद हो सकते हैं, बहुत चीज़ें हैं। प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिए, बाहर कम जाइए, जितना कम से कम जाएंगे उतना अच्छा होगा, मास्क लगा के जाइए, अर्जेंट हो तो ही जाइए, बाहर नहीं जाओगे तो कुछ ऐसा बदल नहीं जाएगा, ठीक है। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु सही है, अभी बताया था। मणिपुर का मणिपुरी बिल्कुल सही है, अभी बताया था। कुचिपुड़ी का आंध्र प्रदेश बताया था, पुरी, और पुरी खाने के बाद क्या हुआ था वो भी बता दिया था मैंने, है ना। और नेक्स्ट बचा कथकली, तो कथकली कहाँ पे, कथकली कर्नाटक पे नहीं है, केरल पे है, कहाँ पे, केरल पे, डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये लो, निम्नलिखित में से किस देश के साथ चीन की सीमा रेखा सबसे लंबी है, जो चाइना है वो सबसे लंबी सीमा रेखा किसके साथ बनाता है। आसान क्वेश्चन है, लेकिन कुछ बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर गलत कर सकते हैं, है ना। बिल्कुल सर, क्वेश्चन क्लास कंटिन्यू किया कीजिए, कंटिन्यू तो बाबू लगातार चल रही क्लास, क्लास कंटिन्यू है और क्लास कंटिन्यू रहेंगे, बस आप सपोर्ट बना के रखो, वीडियो लाइक करते चलो, वीडियो शेयर करते चलो। भाई 500 नहीं हो बच्चे भी, जो 500 ना हुए बच्चे, तो चाइना जो है मंगोलिया के साथ में सबसे लंबी बाउंड्री बनाता है। कुछ बच्चे रसिया टिक कर रहे हैं, मुझे मालूम था कुछ बच्चे रसिया टिक करेंगे, मुझे मालूम था, है ना, मुझे मालूम था कि आज नहीं तो कल वो मुझे एक और मौका देगा, कुछ दूर जाएगा साथ में, उसके बाद धोखा देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, राष्ट्रमंडल राष्ट्रों की सदस्यों की संख्या कितनी है, जो कॉमनवेल्थ है माय डियर, इसके मेंबर्स की संख्या कितनी है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का आंसर अगर बताना पड़े फिर तो थू 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 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजी छूट समाप्त होने के बाद निम्नलिखित में से किस देश से तेल आयात करना बंद कर दिया है। इंडिया हैज स्टॉप्ड इंपोर्टिंग ऑयल फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री आफ्टर US वेवर एक्सपायर्ड। अमेरिकी छूट जो हमारे यहां पे समाप्त हुई है, इंडिया ने ईरान से तेल आयात करना स्टार्ट कर दिया है, ईरान। अगला, पहला भारतीय शासक जिसने अरब सागर में भारतीय नौसेना का वर्चस्व स्थापित किया था, ठीक है, पहला किंग जिसने, कब, जिसने
इंडियन नेवी का वर्चस्व स्थापित किया था अरब सागर में? आंसर इज वेरी सिंपल, क्या है आंसर? राजराजा फर्स्ट। कौन है? राजराजा फर्स्ट इज राइट आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। तमिल साहित्य में शिल्पाधिकारम और मणि मेखलाई संबंधित है। शिल्पाधिकारम मणि मेखलाई दो फेमस किताब है, बहुत बड़े ग्रंथ है। शिल्पाधिकारण और जो मणि मेखलाई है दो फेमस लिटरेचर माने जाते हैं, जो कि किससे रिलेटेड हैं? ये बौद्ध रिलीजन से रिलेटेड हैं, बौद्ध धर्म से रिलेटेड हैं। अगला, फिफ्थ स्मार्ट सिटीज इंडिया 2019 एक्सपो का उद्घाटन निम्नलिखित में से किस शहर में हुआ है? किस शहर में हुआ है? आंसर इज वेरी सिंपल, नई दिल्ली। थोड़ा सा जल्दी करा रहा हूं क्वेश्चन को, लिटरली बहुत तेज भूख लगी मेरे को, बहुत ज्यादा तेज भूख लगी है। मैं थोड़ा 4-5 क्वेश्चन और बचे हैं, उनको जल्दी कराता हूं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2019 में एडीबी एशियाई विकास बैंक ने रेलवे ट्रैक विद्युतीकरण परियोजनाओं के लिए भारत को कितना ऋण प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? 750 मिलियन डॉलर। आज कमी क्वेश्चन कराया था और भूख बहुत तेज से लगी, पता मेरे को लिटरली, मुझे भूख सुबह से कुछ नहीं खाया भाई, सुबह से एक समोसा खा लिया, दो समोसा खाया था, फिर बीच में दो रोटी और एक सब्जी खाई, थोड़ा सा भूख लगी है। ठीक है, चलो, तो अपना ध्यान रखना, अच्छे से पढ़ाई करो। आज थोड़ा कम क्वेश्चन कराए हैं, जो क्वेश्चंस मैंने आज कम कराए हैं वो क्वेश्चन की खाना पूर्ति मैं कल करा दूंगा, कल मैं ज्यादा क्वेश्चन करा दूंगा। ठीक है, चल, अपना ध्यान रखिएगा, अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा, तरीके से पढ़ाई कीजिएगा और खूब पढ़ाई करो बेटा। जितनी अच्छी पढ़ाई कर लोगे ना, जितनी अच्छी जिंदगी बन जाएगी आपको। ठीक है, चलिए, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल। वीडियो लाइक और शेयर करें बिना बिल्कुल मत जाना।